Last lecture, we did the derivation diameter. Circle वाला एक derivation है आप लोगों को. Come on guys, let me know. ये derivation last time किया था आप लोगों ने, practice किया है? हर्षता, राघव, ओमकार, ओके. इस डेरिवेशन में हम लोगों ने एक इक्वेशन यूज किया था. डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन से बिलोंग करता है वो इक्वेशन. डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन में दैट डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वी हैड टू फॉर्मूलाज ओवर देयर. इफ द पार्टिकल व्हिच शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड इफ द पार्टिकल व्हिच शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. तो मुझे बताओगे आप लोग मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन से फॉर्मूलाज मिले थे? लेट मी नो गाइस, इन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन व्हाट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला वी हैड इन लास्ट लेक्चर? ए साइन ओमेगा टी ओनली. विराम, ए साइन ओमेगा टी कौन सा फॉर्मूला था? ओके, ए साइन ओमेगा टी एंड ए कॉस ओमेगा टी. ओके, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, लिसन, फॉर मेन पोजीशन वी हैव द फॉर्मूला ए इज इक्वल टू, सॉरी नॉट ए, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट that x is equal to a sine omega t. It's for mean position and for extreme position x is equal to a cos omega t. तो आज हम लोग graphical representation करने वाले हैं. as I last time मैंने बोला हुआ था आप लोगों को कि मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन मतलब इस पे दो टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन सकते हैं. तो इसके क्वेश्चन होंगे, वी नीड टू डू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद द पार्टिकल व्हिच शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द मेन पोजीशन. सो इफ पार्टिकल व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम मेन पोजीशन एट दैट टाइम वी नीड टू यूज दैट फार्मूला दैट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t ओनली. एंड इफ वी हैड द क्वेश्चन x इज इक्वल इफ द पार्टिकल व्हिच शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एट दैट टाइम वी नीड टू यूज दैट फार्मूला x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t. मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये इक्वेशन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं पूरे के पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो गाइस, अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के पहले मैं एक नोट देता हूँ, पहले आप लोग उसको ध्यान से समझ लो, उसे समझने के बाद विल स्टार्ट. एक सेकेंड सर, एक सेकेंड गाइस, देखो मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या सब लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? यस सर. ओके गाइस, यहाँ पे मैंने देखो एक डायग्राम बना रखा है ऊपर नोट लिख के. तो नोट में मैंने जो डायग्राम बनाया है वो हमारे एक ट्रांसवर्स वेव का है, एक लूप का है. अगर लूप जीरो से स्टार्ट होता है गाइस, तो ये स्पेशली फेज डिफरेंस के लिए है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायग्राम का कौन सा फेज होना चाहिए. तो ये जो नोट है इस डायग्राम में, अगर ये जो लूप है ये नोट में गाइस, अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नोट के नीचे वाला देख रहे हो आप लोग पिक, अगर जीरो से स्टार्ट होकर टू पाई तक पहुंच रहा है तो इसका जो फेज होगा वो जीरो होगा. अगर गाइस
ये पाई बाई टू से स्टार्ट होगा, पाई बाई टू से मतलब देखो नीचे वाला सेकंड वाला डायग्राम, अगर ये पाई बाई टू से स्टार्ट होगा तो इसका जो फेज है वो पाई बाई टू होगा, मैंने ऊपर भी एरो करके शो कर किया हुआ है। अगर पाई बाई टू से स्टार्ट होगा तो डायग्राम सेकंड वाले की तरह दिखेगा, अगर जीरो से स्टार्ट होगा तो डायग्राम फर्स्ट वाले की तरह दिखेगा, और अगर डायग्राम पाई से स्टार्ट होगा तो पाई से स्टार्ट होगा तो डायग्राम इस तरीके से दिखेगा। और गाइज अगर 3π/2 से स्टार्ट होगा तो आगे आपको एक्सट्रीम पोजीशन में डायग्राम देखने मिल जाएगा। गाइज आई एम रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, दैट नोट व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग फेज डिफरेंस ऑफ द लूप, इफ दैट लूप इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो देन इट शुड बी, हां हां बोलो वापस बोलो। ओमकार इज यू, लिसन ये नोट बना के रखो सब लोग, ये नोट अभी ड्रॉ कर लो, इट इज मस्ट फॉर दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर दैट फेज डिफरेंस, जिसकी वजह से आप लोग कंक्लूजन लिख पाओगे, और ये बात पता होना जरूरी है आपको नीट और JEE में, ये रीजन पता होना जरूरी है। याद रखना अगर लूप जीरो से स्टार्ट होगा तो पहले वाले की तरह डायग्राम बनेगा, अगर पाई बाई टू से स्टार्ट होगा तो सेकंड वाले की तरफ बनेगा, और पाई से स्टार्ट होगा तो थर्ड वाले की तरफ बनेगा। 3π/2 आगे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से डायग्राम बनेगा, वो आप लोग एक्सट्रीम पोजीशन का जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा, इसके पहले ये डायग्राम बना के रख लो आप लोग अभी। Guys, you have a 5 minutes to draw that diagram. Draw it fast. Done everyone? Sir. Yes, sir. Let everyone complete first. Diagram important hai guys, yaad rakhna. NEET aur JEE ke liye. Sabse shortcut tarika hai ki kis tarike se aap log phase differences find out karoge. Aage diagram banane ke baad main puchunga zarur ye phase differences ke bare mein. समझ में आप लोगों को, ये नोट समझ में है? Yes, sir. आगे बढ़े, अब गाइस ये डायग्राम के बाद देखो स्क्रीन पे 5.9 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, where we have the first question, particle executing simple harmonic motion starting from mean position towards positive question, dikh raha hai graphical representation of simple harmonic motion dikh raha hai, jisme sabse pehla question hai particle executing simple harmonic motion starting from mean position towards positive, dikhaiye question sabko, yes sir, guys ye question likho,
खाली क्वेश्चन लिखना है, कुछ भी नहीं छापना है, मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, क्योंकि समझना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। राइट डाउन दैट फर्स्ट, गाइज यहाँ पे याद रखना आज के ये जो लेक्चर में, यहाँ पे कुछ भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप लोगों को समझ के रखना है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा इक्वेशन मिलेगा उसको खाली कंक्लूजन में लिख देना है बस। और एक एक इक्वेशन से एक एक कंक्लूजन पॉइंट मिलता रहेगा। हुआ क्वेश्चन लिख के हुआ? यस सर। ओके देखो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? यस गाइस, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये बोला है कि इफ द पार्टिकल व्हेन इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, तो मीन पोजीशन का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। और मीन पोजीशन का फॉर्मूला क्या था? That x is equal to, पहले समझ लो फिर उसके बाद आपको एक एक स्टेप करके लिखना है। x is equal to a sin omega t, guys ये हमारे मेन पोजीशन का फॉर्मूला था। अब मेन पोजीशन के बाद यहाँ पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन तीनों के इक्वेशन पहले फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पे मेन पोजीशन बोला है पर तो पहला इक्वेशन तो क्लियर होता है। After that, if you find out the velocity, so ये भी है दी फॉर्मूला dx upon dt, so in that case keep that d upon dt as it is and instead of displacement a sin omega t। अब गाइस विल डू द डेरिवेटिव ऑफ इट, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करोगे तो a कांस्टेंट है सर, सर अल्फा, एक सेकंड नाम बताओ आप अपना। वरुण, 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 वरुण। मीन इफ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन क्या फॉर्मूला था वरुण? अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो फॉर्मूला क्या था? X is equals to a sine into omega t plus alpha। अरे गधे, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन के दो फॉर्मूलास फाइंड आउट किए थे हम लोगों ने, याद है या नहीं? आपने डेरिवेशन किया था? मैंने स्टार्टिंग में सबसे यही पूछा ना कि डेरिवेशन में हम लोगों ने दो फॉर्मूला फाइंड आउट किया हुआ है। दो फॉर्मूला याद रखो, अगर मीन पोजीशन होगा तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, एक्सट्रीम पोजीशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। प्रूफ किया था क्या हम लोगों ने? यस सर। जोर से बोलो। यस सर। वरुण सुनाई दे रहा है आपको? वरुण, वरुण आपने वो डेरिवेशन किया था या नहीं? अच्छा गाइस, आप लोगों को ये समझ में आया x is equal to a sin omega t मैंने एग्जैक्टली लिया कहां से है? यस ऑर नो एवरीवन? सर। ओके, अब गाइस डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे। हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। वरुण। हाँ सर। टाइम पास कम करो, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन
कराया था तभी आप प्रेजेंट थे? यस सर। तो वहां पे मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन का फार्मूला भी डेरिवेशन में कराया था? हाँ कराया था। तो मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t ही मिला था ना? हाँ। तो जहां पर भी क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। उसके बाद अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो फार्मूला यहां लिख दिया। फार्मूला के बाद x की जगह पे उसका इक्वेशन लिख दिया, समझे? आफ्टर दैट गाइस, यहां पे a कांस्टेंट है तो a को एज इट इज लिखेंगे, साइन विल बिकम अ कॉस, ओमेगा t का डेरिवेटिव करेंगे डी ओमेगा t अपॉन dt, दैट dt dt विल गेट कैंसिल, सो हियर विल रिमेन द ओमेगा। तो ओमेगा को यहां पे लिख लिया। कॉस कभी भी सिंगल टर्म में नहीं होता है, कॉस के साथ हमेशा एंगल होता है, और यहाँ पर एंगल है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को वापस लिख लेंगे। ये मिल गया हमारा वेलोसिटी, ये था डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वेलोसिटी। समझे या नहीं? वेलोसिटी कैसे मिला ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। ये डी ओमेगा टी कैसे बाहर गया ये समझ में आया? ओमेगा कैसे बाहर आया समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब हम लोग ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा बाहर आता है, इलेक्ट्रॉन ने प्लस मेथड किया है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, और लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में भी डेरिवेशन किया था जिसमें मैंने बोला था आप लोगों को प्रैक्टिस करके रखना। यस और नो? वो जो डायग्राम वाला दो सर्कल वाला था डायमीटर का, उसमें सेम फॉर्मेट में हम लोगों ने डेरिवेशन फाइंड आउट किया था ना? बोलो। अब गाइस, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सो आवर डी अपॉन डी टी शुड बी एज इट इज, और यहां पर जो वी का टर्म था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसे ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसका करना होगा डेरिवेटिव आप लोगों को। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ए ओमेगा तो कांस्टेंट है इसलिए ए ओमेगा बाहर आ गया, कॉस विल बिकम अ माइनस साइन, तो माइनस बाहर, यहाँ पे साइन, अगेन ओमेगा टी है यहाँ पे, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो डीटी डीटी कैंसिल होगा, ओमेगा बाहर आएगा, एंड वी ऑलरेडी हैड द ओमेगा, ओमेगा इनटू ओमेगा दैट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर, and that sine cos tan it never will remain the single, it always required an angle, and instead of angle we'll use the omega t, to wapas yahan pe omega t aa jayega, to yahan pe acceleration ka bhi formula mil gaya. ye equation sabko samajh mein aaya kya? yes or no? equation samajh mein aaya aap logo ko? गाइस, ये जो मैंने तीन ब्रैकेट बनाए हैं वो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज हैं। अभी आप लोग मुझे बताओ कि समझ में आया है या नहीं। ओके ओके, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने ये ऑलरेडी कर रखा था। तो गाइस, अभी कंक्लूजन का सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट करोगे, देखो डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दे बोथ आर अ साइन एंगल, displacement and acceleration they both are a sine angle and velocity is the cosine angle. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? displacement and acceleration they both are a sine angle. अंकुश, आपको आवाज आ रही है? yes sir. हाँ, तो आप लेक्चर में बैठे हो सर, गलती से हो गया सर। हाँ, जरा याद रखो इस बात को। अभी यहाँ पर गाइस, कंक्लूजन का सबसे पहला पॉइंट है दैट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दे बोथ आर अ साइन एंगल एंड द वेलोसिटी इज द कोसाइन एंगल। ये आपके कंक्लूजन का सबसे पहला पॉइंट है, ये बात याद रखना, पहला पॉइंट।
that displacement and acceleration they both are a sine angle and velocity is the cosine angle. Clear हुआ? ये point clear हुआ conclusion का? Equation सब लोगों ने लिखा क्या? Equation लिखे आप लोगों ने? Yes sir. नहीं sir. Equation लिख लो फटाफट पहले equation लिख लो. इसके आगे table बताता हूँ किस तरीके से बनाना है. Done? Yes, sir. आगे बढ़े. अब गाइस ये जरा इक्वेशन आप लोग अपने सामने रखना क्योंकि आगे टेबल में आपको काम आने वाला है कि टेबल में किस तरीके से ये इक्वेशंस को आप लोग यूज करो. Is that clear, everyone? अब गाइस यहाँ पे टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे. गाइस यहाँ पर जो कॉलम है कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे. मैं जरा यहाँ पे ऊपर इक्वेशंस यहाँ पर गाइस ये जो कॉलम्स हैं सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो टाइम का होगा. तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे फेज, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी एंड वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन. ये ऐसे पांच टर्म आपको यहाँ पे लिखने हैं रिवाइज. सबसे पहला टाइम, फिर फेज, देन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. आफ्टर दैट गाइस डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन जो भी होगी वो जीरो होगी, तो डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पोजीशन जीरो होगा. अब गाइस मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक सर्कल का टर्म बताया था. ये सर्कल को हम लोगों ने चार पार्ट में डिवाइड किया था, 1, 2, 3, 4. इस तरीके से हम लोगों ने ये सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो गाइस सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन, तो स्टार्टिंग पोजीशन में टाइम हमारा जीरो होता है. अब यहाँ पे एक एक कॉलम को हम लोग यूज करना शुरू करेंगे. तो अगर आप लोग सबसे पहले कॉलम को यूज कर रहे हैं मतलब एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो एक सेकंड ना, एक एक करके हम लोग चलते हैं. सबसे पहले एक ही कॉलम है तो मतलब यहाँ पे होगा टी बाय फोर, मतलब 1/4 है. उसके बाद अगर दूसरा कॉलम यूज करेंगे तो दूसरे कॉलम में होगा 3t/4. फिर अगर तीसरा कॉलम यूज कर रहे हैं तो तीसरे कॉलम में, एक सेकेंड ना, सेकेंड वाले कॉलम में 3t/4 नहीं, t/2, क्योंकि हाफ हो जाएगा, हाफ होगा तो t/2. तीन कॉलम यूज होंगे तो 3t/4. चार कॉलम होंगे गाइस, ये चौथा कॉलम है, चौथा कॉलम यूज करेंगे, सो दैट विल बी ओनली टी. और अगर पांचवा कॉलम हो, पांचवा कॉलम मतलब
एक रोटेशन वापस हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो पांचवा कॉलम होगा तो यहाँ पे फाइव टी बाय फोर, फाइव टी बाय फोर। बताओ मुझे ये समझ में आया क्या आप लोगों को टाइम वाला फॉर्मेट? नहीं सर। नो सर। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से स्टार्ट होता है, उसके बाद गाइज ये जो सर्कल है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, इसको एक एक कॉलम यूज करेंगे, मतलब कॉलम वाइज इसको आपको पुट करना है। तो अगर एक सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो पहला कॉलम है वो टी बाय फोर ही होगा ना, वन फोर्थ होगा ना, ये सुनो। यस सर। तो पहला कॉलम मैंने टी बाय फोर लिखा है, जब दो कॉलम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यस और नो? यस सर। तो सेकंड मैंने देखो क्या लिखा, टी बाय टू लिखा है, जब तीन कॉलम होंगे तो क्या होगा, थर्ड फोर्थ होता है, मतलब थ्री टी बाय फोर। और जैसे ही चौथा कॉलम हम लोग यूज करेंगे तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, सर्कल कंप्लीट हो गया मतलब टी। और अगर हम लोग उसके अंदर एक और कॉलम ऐड कर दें, मतलब देखो जो मैंने ब्लू वाला एक और सर्कल बनाया हुआ है हाफ, तो मतलब टोटल कितने कॉलम हो गए, पांच कॉलम हो गए, पांच कॉलम हो गए मतलब क्या होगा, फाइव टी बाय फोर। मतलब एक एक कॉलम वाइज चलना है अपने को, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था इसलिए जीरो, वन फोर्थ मतलब एक कॉलम लिया तो टी बाय टू, दो कॉलम हुआ तो टी सॉरी एक कॉलम हुआ तो टी बाय फोर, दो कॉलम हुआ टी बाय टू, तीन कॉलम हुआ थ्री टी बाय फोर, चार कॉलम हुआ टी, पांच कॉलम हुआ फाइव टी बाय फोर। ये समझ में आया किस तरीके से याद रखना है? समझ में आया आप लोगों को, याद रखना है? यस और नो? यस सर। अब इसके आगे बढ़ने जा रहा हूं, जरा ध्यान रखना। अब इसके बाद गाइस फेज ये हो गया जीरो। अब गाइस एक एक फेज कितने कितने का है, अगर पूरा सर्कल कितने एंगल का होता है, कितने डिग्री का होता है? 360। अब यहाँ पे अगर 360 है तो मतलब एक कॉलम का कितना एंगल होगा, 90। चार पार्ट में 360 को डिवाइड करो 90, तो ये पहला कॉलम था, पहला कॉलम मतलब एक वन फोर्थ पार्ट यूज किया है, तो एक कॉलम का जो फेज है वो दैट शुड बी अ पाई बाय टू। समझ में आया आपको? पाई बाय टू, समझ में आ रहा है? अब गाइज अगर दो कॉलम होंगे तो दो कॉलम हो गया मतलब पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, सो ओनली पाई। अगर गाइज तीन कॉलम होंगे तो तीन कॉलम होंगे मतलब 270, तो थ्री पाई बाय टू, चार कॉलम होंगे टू पाई, पांच कॉलम होंगे फाइव पाई बाय टू। देखो समझ में आया आपको ये 5 पाई बाय 2 किस तरीके से आया, समझ में आया क्या? मतलब जिस तरीके से हम लोग एक एक कॉलम यूज कर रहे थे, एक एक कॉलम का एंगल यूज करेंगे अभी, तो सारे कॉलम का एंगल है, अगर एक कॉलम हुआ तो 90 डिग्री, दो कॉलम हुआ तो 180 डिग्री, तीन कॉलम हुए तो 270 डिग्री, चार कॉलम हुए तो 360 डिग्री, पांच कॉलम हुए तो 450 डिग्री। लेट मी नो आपको फेस समझ में आया क्या, फेस किस तरीके से लिखना है? यस सर। यस और नो? ओके। अब गाइस यहां पर हम लोग एक एक पॉइंट को सॉल्व करने जा रहे हैं, जरा ध्यान रखना बात का। अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन था, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, क्या फाइंड आउट किया था डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट क्या फाइंड आउट किया था सब लोगों ने? a sin omega t। यस, x इज इक्वल टू a sin omega t। तो गाइज यहाँ पे जो x है वो साइन एंगल है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a sin omega t। तो गाइज यहाँ पे ओमेगा की जगह पे, ओमेगा की जगह पे हमें जीरो रखना है, साइन जीरो जीरो होता है, तो a से मल्टीप्लाइड होगा तो जीरो,
तो पहले वाले कॉलम में जीरो, क्योंकि वो पूरा कॉलम जीरो डिग्री का है। ये जीरो समझ में आया सबको किस तरीके से है? अब गाइस अगर मैं साइन ओमेगा टी की जगह पे पाई बाई टू रखू, पाई बाई टू मतलब 90 होता है और साइन 91 वन ए से मल्टीप्लाइड होगा, सो एयर वी रिमेन दी ए। अगर गाइस ओमेगा टी की जगह पे पाई रखूंगा, पाई का मतलब 180, साइन 180 जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाइड बाई ए जीरो। साइन 270 अगर मतलब ओमेगा टी की जगह पे 3 पाई बाई टू रखू, तो जो साइन 270 होगा वो माइनस वन होता है, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस ए। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं सब कुछ? अगर ओमेगा टी की जगह पे 2 पाई रखूंगा तो 2 पाई की जगह पे गाइस 2 पाई मतलब 360 और साइन 360 कितना होता है? जीरो, तो यहाँ पे जीरो। और यहाँ पर 450 मतलब ये 90 का कॉन्सेप्ट वापस आ जाता है, तो 450 साइन 450 1 मल्टीप्लाइड बाय ए इज ए। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का कॉलम समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर, डिस्प्लेसमेंट कॉलम समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ओके गाइस, डिस्प्लेसमेंट कॉलम के बाद अब हमारे पास वेलोसिटी का है। वेलोसिटी का टर्म हम लोग अभी लिख लेते हैं, जो हम लोगों को वेलोसिटी मिला था। तो वेलोसिटी का टर्म क्या था हमारे पास? v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, राइट? यही था, यस और नो? अब गाइस cos 0 मतलब यहाँ पे ओमेगा t की जगह पे पहला कॉलम किसका है? जीरो का है, जीरो डिग्री का है। तो ओमेगा t की जगह पे अगर मैं जीरो रखूं तो cos 0 क्या होता है? 1 1 मल्टीप्लाइड बाय a ओमेगा, तो यहाँ पे सिर्फ a ओमेगा रहेगा। समझ में आया सबको a ओमेगा कैसे रहेगा? नहीं सर, ये नहीं समझ। अरे ये जो ओमेगा t है ना, ओमेगा t की जगह पे क्या रखोगे? पहला वाला कॉलम किसका है? जीरो का है ना, तो ओमेगा t, ओमेगा t की जगह पे क्या होगा? जीरो। ये ओमेगा t की जगह पे जीरो, cos जीरो क्या होता है? cos 0 क्या होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाय a ओमेगा, a ओमेगा। तो समझ में आया कैसे लिखा है a ओमेगा समझ में आया क्या आपको? यस। आफ्टर दैट a ओमेगा, नेक्स्ट वाला कॉलम किसका है? अपना 90 डिग्री का है, तो ओमेगा t की जगह पे क्या रखेंगे? 90 जीरो। ओमेगा t की जगह पे क्या रखेंगे? 90, तो cos 90 क्या होगा? जीरो। जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय ए ओमेगा, जीरो। समझ में आया? अब गाइस तीसरा कॉलम 180 का है, और कॉस 180 क्या होगा? माइनस वन। माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट है 270। ओमेगा टी की जगह पे 270 रखेंगे तो कॉस 270 जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय ए ओमेगा जीरो। कॉस 360 वन होता है, वन मल्टीप्लाइड बाय ए ओमेगा, ए ओमेगा। फिर वापस 90 वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉस 90 जीरो मतलब कॉस 450 जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय ए ओमेगा जीरो। वेलोसिटी का कॉलम समझ में आया क्या सबको? यस सर। क्लियर हुआ ये टर्म समझ में आया आप लोगों को? ओके अब गाइस लास्ट वाला जो हमारा टर्म है हम लोग उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का स्टेप था, तो एक्सेलरेशन क्या था? ए इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस भी था यहाँ पे, सॉरी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यही था इक्वेशन? यस और नो? क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन साइन एंगल थे। अब गाइस सेम कॉन्सेप्ट, ओमेगा टी की जगह पे पहला वाला कॉलम जीरो है, साइन जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग गेट जीरो, तो पहला वाला स्टेप हमारा जीरो हो गया। एक सेकेंड,
तो अभी गाइज यहाँ पे जो कॉस साइन जीरो था वो जीरो हो गया। साइन जीरो के बाद यहाँ पर आ जाता है सेकंड वाला कॉलम 90 का, साइन 91 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एज इट इज होगा। आफ्टर दैट गाइज वी हैविंग दी 180, साइन 180 जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए ओमेगा स्क्वायर जीरो। उसके बाद गाइज अपने पास यहाँ पे 270 है, साइन 270 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर। आफ्टर दैट वी हैविंग अ 360, साइन 360 जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग गेट जीरो, और वापस 450, 450 मतलब साइन 450, 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया क्या पूरा कॉलम? यस सर। कॉलम समझ में आया क्या आप लोगों को? गाइस बहुत ही सिंपल सा ये पूरा टेबल है। सिंपल आपको याद रखना है, टाइम है, फेज है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब ये जो टाइम है, आपको टाइम को कॉलम के हिसाब से याद रखना है। एक सर्कल बना लेना, जैसे अगर कभी भूल जाते हो बोर्ड एग्जाम में, सर्कल बना लेना, तो जो स्टार्टिंग टाइम है वो जीरो होगा। फिर एक एक कॉलम चलेंगे, एक कॉलम मतलब टी बाई फोर, दो कॉलम मतलब टी बाई टू, तीन कॉलम मतलब थ्री टी बाई फोर, चार कॉलम मतलब टी, और पांच कॉलम मतलब फाइव टी बाई फोर। अब गाइस यहाँ पर हमारे पास जो फेज है, फेज भी जीरो होगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जीरो था, फेज भी जीरो होगा। तो इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे फेजेस लिखना शुरू करेंगे, एक एक कॉलम के हिसाब से लिखेंगे, पहला कॉलम का 90, दूसरे कॉलम का 180, तीसरे कॉलम का 270, चौथे कॉलम का 360, पांचवे कॉलम का 450। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से हम लोग इस टेबल को इजीली याद रख सकते हैं। कुछ भी चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पहले कॉलम में पुट करोगे तो जीरो, दूसरे कॉलम को यूज करोगे तो 90, तीसरे कॉलम को यूज करोगे तो 180, चौथे कॉलम को यूज करोगे तो 270, पांचवे कॉलम को यूज करोगे तो 360, छठे कॉलम को यूज करोगे तो 450। ये टेबल अभी बना लो आप लोग, ये टेबल बना लो सब लोग। Guys, you all are having a 2 minute, draw it fast. Sir, screenshot le liya. आगे बढ़े गाइस। ओके गाइस, ये टेबल अपने सामने रखना क्योंकि अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके गाइस, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो याद रखना, यहाँ पे तीन ग्राफ बनने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक वेलोसिटी के लिए और एक एक्सेलरेशन के लिए। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए है ये,
ये वेलोसिटी के लिए, और तीसरा एक्सेलरेशन के लिए। वैसे यहाँ पे तीन डायग्राम है, एक सेकंड है। अब गाइस यहाँ पे एम्पलीट्यूड के टर्म्स आप लोग लिख लोगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पे ये जीरो, ये जीरो, ये प्लस ए, और यहाँ पे ये माइनस ए। सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जीरो प्लस ए ओमेगा, और यहाँ पे माइनस ए ओमेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब गाइस यहाँ पे जो डायग्राम है, डायग्राम के फॉर्मेट हम लोग देख लेंगे। तो जब से जो सबसे पहला हमारा स्टेप है, हमारा जो साइन है, साइन कहां से स्टार्ट हो रहा था? जीरो से। लेट मी नो साइन कहां से स्टार्ट हो रहा था गाइस, कम ऑन स्पीक अप एवरीवन। साइन कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। जीरो से। जीरो से, जीरो से कहां पे जा रहा है? थ्री, थ्री, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव का ऊपर का पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड का पॉइंट क्या है? एक सेकंड गाइस, ओके। तो यहां पर टर्म्स बना लेते हैं, यहां पे टाइम पीरियड, ये टी बाय फोर, ये टी बाय टू, यहाँ पे थ्री टी बाय फोर, यहाँ पे टी, और यहाँ पे फाइव टी बाय फोर। अब टर्म्स गाइस, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग उसका जो डायग्राम है वो भी जीरो से ही, जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जीरो से प्लस ए पे जा रहा है वो। तो जीरो से प्लस है, ये जो डायग्राम है वो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से प्लस ए, यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ, ये जीरो से प्लस ए पे गया है। प्लस ए के बाद गाइस वापस ये जीरो पे आ रहा है, जीरो का पॉइंट जो है वो टी बाय टू है, तो जीरो का पॉइंट टी बाय टू मतलब यहाँ पे वापस जीरो पे आ गया, और पॉइंट टी बाय टू है। After that guys, minus पे, minus का जो पॉइंट है 3t/4 है, तो यहाँ पे 3t/4। After that, again it should be moving over the zero, and that zero which is having a point on t, तो यहाँ पे t पे। After that it should be moving over the positive one, and that positive one which is having a point on 5t/4। देखो ग्राफ समझ में आया या नहीं आप लोगों को? Let me know guys, ग्राफ समझ में आया या नहीं? ये पहला वाला जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए था। Yes sir. Okay, same format guys जैसा डिस्प्लेसमेंट का था, सेम आप लोग वेलोसिटी का, सेकेंड वाला जो डायग्राम है वेलोसिटी के लिए है, तो पॉइंट आप लोग सेम वही रखोगे, t by 4, t
टी बाय टू, थ्री टी बाय फोर, टी और यहाँ पे फाइव टी बाय फोर, सेम टर्म में गाइस। इसका भी डायग्राम बनाना है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी देखो प्लस ए ओमेगा से स्टार्ट हो रहा है और जीरो पे जा रहा है, ए ओमेगा से स्टार्ट करेंगे और जीरो पे गया है, ये जीरो का जो पॉइंट है वो टी बाय फोर पे है। तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा टी बाय फोर पे। आफ्टर दैट ये नेगेटिव में गया है और नेगेटिव का जो पॉइंट है वो टी बाय टू है, तो यहाँ पे टी बाय टू में आ जाएंगे हम लोग। टी बाय टू के बाद वापस जीरो पे गया है, जीरो का जो पॉइंट है वो टी है, सॉरी थ्री टी बाय फोर है, तो उसे थ्री टी बाय फोर पे लेके जाएंगे। वापस प्लस पे गया हुआ है, प्लस का जो पॉइंट है वो टी पे है, तो ये टी पे, और वापस ये जीरो पे आया है, जीरो का जो पॉइंट है फाइव टी बाय फोर पे है, तो वो यहाँ पे। दिखा ग्राफ किस तरीके से बनाना है। ग्राफ दिखा सबको, लेट मी नो गाइस, वेलोसिटी समझा या नहीं? समझा सर। सेम टर्म गाइस, आप लोगों को एक्सेलरेशन में भी यूज करना है। थर्ड वाला जो डायग्राम है वो एक्सेलरेशन के लिए होगा। तो अब जो एक्सेलरेशन है, सेम टर्म में एक्सेलरेशन पे डायग्राम हम लोग बनाएंगे। एक्सेलरेशन का जो पॉइंट है वो जीरो से स्टार्ट होता है और नेगेटिव में जाता है, याद रखना है। यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा और नेगेटिव में जाएगा, मतलब ये जो डायग्राम है वो जीरो से स्टार्ट होगा और नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव का जो पॉइंट है वो टी बाय फोर पे, मतलब ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। कर्व इस तरीके से नीचे आ गया, उसके बाद ये वापस जीरो पे जा रहा है, जीरो का जो पॉइंट है वो टी बाय टू पे है, मतलब इस तरीके से ऊपर आएगा। फिर वापस ये प्लस पे गया है, प्लस का जो पॉइंट है मतलब प्लस ए ओमेगा स्क्वायर है, तो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर थ्री टी बाय फोर पे बना हुआ है, तो थ्री टी बाय फोर का पॉइंट यहाँ पे यूज कर लेंगे। उसके बाद वापस जीरो पे आया, जीरो का जो पॉइंट है वो टी पे है। आफ्टर दैट नेगेटिव में गया है, नेगेटिव का जो पॉइंट होगा वो फाइव टी बाय फोर पे होगा। देखो समझ में आया क्या सब लोगों को? यस सर। यस। किस तरीके से फेज डायग्राम बनाना है, ये क्लियर हुआ? ओके ओके, ये ड्रॉ कर लो सब लोग, डायग्राम ड्रॉ कर लो। और गाइस मैंने आप लोगों को इसका नोट्स भी भेज दिया हुआ है, संकेत जी ने भेज दिया होगा आप लोगों को। तो इनकेस अगर आप लोगों को नोट्स बनाने में कंफ्यूजन होगा, तो जिस तरीके से वहां पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उस तरीके से आप लोग लिख लेना अभी ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट, ताकि आप लोगों को याद रहे किस तरीके से इसको ड्रॉ करना। डायग्राम फटाफट बनाओ सब लोग, और याद रखना ये जो डायग्राम है वो कर्व शेप होना चाहिए, ट्रायंगल शेप नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे कोई नहीं बना देना, कोई भी ऐसे नहीं बनाएगा गाइस, ये रॉन्ग वे है। कर्व में नहीं बना, कर्व में बनाना है ट्रायंगल नहीं। डायग्राम इस तरीके से ही बनना चाहिए, ये है सही तरीके से शेप। तो कोई भी इस तरीके से ट्रायंगल नहीं बनाना, फटाफट ड्रॉ करो सब कुछ। एक
डन एवरीवन कंप्लीट हुआ क्या आगे बढ़े अब गाइस मैंने आप लोगों को नोट करके एक डायग्राम भेजा हुआ है मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि उस डायग्राम से हम लोग फेज डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा डायग्राम कौन से फेज से स्टार्ट हुआ है ये पता चलता है वो डायग्राम देखो और मुझे बताओ कि ये पहला वाला Pick up everyone. First graph का face क्या होगा Note देखो और बताओ मुझे बोलो वैभव वरुण कमल लेट मी नो गाइस नोट दिया है ना आप लोगों को मैंने वो देखो ये फेज जीरो से स्टार्ट हो रहा है एक सेकंड पाई बाय टू एक जीरो से ये पॉजिटिव गया हुआ है जीरो से पॉजिटिव गया मतलब ये पाई बाय टू है एक सेकंड ना पाई बाय टू नहीं सॉरी सही से देखो नोट जीरो से स्टार्ट हुआ है ना वो उल्लू जीरो से स्टार्ट हुआ है नोट है कि नहीं आप लोगों के पास जीरो से तो ये पहला वाला जीरो से स्टार्ट हुआ है तो ये जीरो होगा ये फर्स्ट वाला जीरो है सेकंड वाला देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है सेकंड वाला चेक करो कहाँ से स्टार्ट हुआ है पाई बाय टू थर्ड वाला कहां से स्टार्ट हुआ है पाई समझ में आ रहा है फेजेस किस तरीके से पता चलेगा फेजेस समझ में आया किस तरीके से पता चलेंगे यस अब कंक्लूजन के पॉइंट्स जरा ध्यान से सुनना ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट इंक्लूड कर चुके थे हम लोग दैट डिस्प्लेसमेंट पहला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दे बोथ आर अ साइन एंगल एंड द वेलोसिटी इज द कोसाइन एंगल ये हमारा पहला पॉइंट था दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दे बोथ आर हैविंग द फेज डिफरेंसेस पाई बाय टू मतलब इस तरीके से लिखना है द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज पाई बाय टू देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का हम लोगों ने स्टेप यूज किया ये डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस निकालेंगे कितना होगा पाई बाय टू माइनस जीरो इज इक्वल टू पाई बाय टू तो सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखोगे द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी इज पाई बाय टू आई रिपीट एवरीवन The phase difference between the displacement and the velocity is pi by 2. समझे ये point? ये point second point समझ में आया क्या आपको? After the second point guys, next point होगा displacement और velocity के बीच का, sorry, velocity और acceleration के बीच का. एक्सेलरेशन पाई है और वेलोसिटी पाई बाय टू है सो पाई माइनस पाई बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय टू आई रिपीट फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज पाई बाय टू दैट इज योर थर्ड पॉइंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज पाई बाय टू
मतलब सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट सेम ही है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई टू है, और थर्ड पॉइंट में लिखा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो भी पाई बाई टू है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखोगे द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज पाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई है, मतलब 180 डिग्री है। चार पॉइंट हो गया एवरीवन। सबसे पहला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दे बोथ आर अ साइन एंगल एंड वेलोसिटी इज कोसाइन एंगल। सेकंड पॉइंट द फेज बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज पाई बाय टू। थर्ड पॉइंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज पाई बाय टू। फोर्थ पॉइंट the phase difference between the displacement and acceleration is pi. Next point में लिखोगे after the 2 pi, मतलब 2 pi के बाद सारे के सारे loop एक ही जैसे दिखाई देते हैं, तो next में लिखना है all curves represent same path after phase of 2 pi radian. I repeat, next में लिखना है कि 2 pi के बाद सारे के सारे loop same जैसे दिखते हैं, so all curves represent same path after phase of 2 pi radian. ये आपका next point होगा। Guys ये पांच point बड़े ही important हैं, conclusion में आपको लिखना ही होगा। ये काफी derivations में आते हैं, time mark के लिए होगा ये। तो जिसके अंदर आपको equation, table, phase diagram, conclusion, चार point एक एक mark सब पे मिलेगा। सर लास्ट का लास्ट नहीं समझा, सर लास्ट नहीं समझा। लास्ट का जो पॉइंट है ये 2 पाई के बाद, ये जो टी देख रहे हो ना आप लोग, टी ये जो टी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, टी पे मैंने देखो ऐसा क्रॉस किया हुआ है, ये जो टी है ये टी पे गाइस टी के बाद सारे के सारे लूप एक जैसे दिखाई देने लगते हैं, उसके बाद आप लोग लूप को ट्रेस नहीं कर सकते कि इनका स्टार्टिंग फेज क्या था। ये फेज यहीं से स्टार्ट होते हैं पहले से, आप 2 पाई के बाद कभी भी ट्रेस नहीं कर सकते, इसलिए लिखा जाता है कि 2 पाई के बाद सारे के सारे लूप एक जैसे दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से कभी भी आप दोबारा फेज नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो फेज फाइंड आउट करना है तो स्टार्टिंग से ही करना होता है। फिफ्थ पॉइंट का मतलब यही है कि 2 पाई के बाद सारे के सारे जो लूप्स हैं वो एक ही जैसे दिखाई देते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? Yes or no? ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है कंक्लूजन लिखने के बाद। अब मुझे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं सारा पॉइंट? कम ऑन स्पीक अप एवरीवन। यस, आगे बढ़ जाएं फिर। यस सर। अब गाइस जो क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा था वहां पर मीन पोजीशन की जगह पे एक्सट्रीम पोजीशन लिखो, मतलब ये सारा काम वापस होने वाला है, अभी मीन पोजीशन के लिए हुआ था, पोजीशन के लिए हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो व्हेन द पार्टिकल व्हिच शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, सेम काम वापस होने वाला है, तो सेम क्वेश्चन होगा, मीन पोजीशन की जगह पे लिखो एक्सट्रीम पोजीशन। लिखे लिखे क्या सब लोगों ने? नहीं सर। सेम क्वेश्चन, मीन पोजीशन की जगह पे एक्सट्रीम पोजीशन। Our question is particle performing simple harmonic motion starting from extreme position.
सर लिख लिया ओके आफ्टर दैट गाइस अब कोई बोलेगा नहीं आई वांट द आंसर फ्रॉम वरुण ओनली वरुण लेट मी नो इफ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एट दैट टाइम व्हाट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फार्मूला वी हैड वरुण क्या सर वरुण लेट मी नो इफ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन देन व्हाट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विल यूज टू फाइंड आउट द इक्वेशन ओवर देयर वरुण अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं डिस्प्लेसमेंट का x is equal to a cos डिस्प्लेसमेंट है ना सॉरी सर हाँ 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 बराबर है बोल a हाँ a ओमेगा अरे गधेड़ा पहले सही बोल रहा था a cos ओमेगा t गुड गुड बस इतना ही है चलो बहुत बड़ी बात है भाई वरुण को इक्वेशन याद है x is equal to a cos omega t वरुण थोड़ी शाबाशी दे दे अपने आप को तू पहली बार तूने कुछ आंसर राइट बताया है गाइस अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो सेम कॉन्सेप्ट में आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट के टर्म यूज करने हैं लेकिन जो फॉर्मूला होगा वो एक्सट्रीम पोजीशन का होगा तो यहां पर फॉर्मूला है x is equal to a cos omega t ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था अब डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन के बाद हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वेलोसिटी का जो टर्म था v is equal to d upon dt सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम तो एक सेकंड ना थोड़ा छोटा लिखता हूं dx upon dt so that d upon dt as it is अब इसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का पूरा स्टेप लिख लोगे a cos ओमेगा t गाइस ये पूरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लिया अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे दैट v विच इज इक्वल टू a एज इट इज होगा a एज इट इज लिख लिया cos की जगह पे माइनस साइन तो माइनस यहाँ पे आ गया और साइन यहाँ पे माइनस ए साइन अब गाइस अगेन हियर वी हैड द ओमेगा टी का ओमेगा स्क्वायर नहीं वरुण डी ओमेगा टी मतलब इस तरीके से अगर नहीं समझ में आता तो इस तरीके से कर लेने का डी ओमेगा टी अपॉन डी टी तो डी टी डी टी कैंसिल हो गया तो ओमेगा बचा तो यहाँ पे ओमेगा लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग ने ओमेगा लिख लिया अब साइन एंगल जो है साइन कभी भी सिंगल नहीं होता साइन के साथ हमेशा एंगल चाहिए होता है तो साइन के साथ जो एंगल होगा ओमेगा टी ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया नीचे वाला वेलोसिटी हो गया आफ्टर दैट वी हैविंग द एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है दैट डेफिनेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम सो वी विल यूज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम सो वी विल कीप दैट डी अपॉन डी टी एज इट इज d upon dt as it is है अब यहाँ पर जो equation था equation है minus a omega sin omega t समझ में आया step अब guys वापस यहाँ पे derivative कर देंगे इसका derivative करोगे so that minus a omega will be as it is sin will become a cos Again, we'll do the derivative of omega. Omega t, again dt dt get cancelled, that omega should be a come out. Omega we already had the omega, omega into omega. That will be omega square. यहाँ पे बाहर निकला है ना? अब cos के साथ क्या होगा वरुण? Cos के साथ angle use करना है. Angle की जगह पे क्या use करूँ? Good. तो यहाँ पे angle की जगह पे we'll use the omega t. तो ये हमारा acceleration का डेरिवेशन हो गया मतलब ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमें मिल गया है इज दैट क्लियर ये समझ में आया इक्वेशन समझ में आया स्पीक अप एवरीवन इक्वेशन समझ में आया क्या यस सर
गाइस यहां पर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, अब सेम कॉन्सेप्ट गाइस, यहां पर एक कंक्लूजन का पॉइंट ऐड होगा दैट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दे बोथ आर अ कोसाइन एंगल एंड वेलोसिटी इज साइन एंगल. समझ में आ रहा है? एंड एक्सेलरेशन कंक्लूजन का यहाँ पे पहला पॉइंट चेंज हो जाएगा, वेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दे बोथ आर कोसाइन एंगल एंड द वेलोसिटी इज साइन एंगल, दैट इज पॉइंट ऑफ कंक्लूजन इन सुपरपोजिशन फार्मूला. यहाँ पर खाली पहला आप लोग को पॉइंट चेंज करना है, यहाँ पे वेलोसिटी साइन है और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कॉज है. क्लियर हुआ है ये फॉर्मेट? क्लियर हुआ? यस सर. अब ये इक्वेशन लिखो, राइट डाउन दैट इक्वेशन फर्स्ट. सर हो गया, हो गया. अब यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट में टेबल बनाना है. एक सेकंड, ये इक्वेशन जरा आप लोग अपने पास रखना ताकि टेबल में आपको इजी हो इस वक्त. सर एक बार पूछ लो सबको. ओके बता दो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं सबको इक्वेशन? ओके ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके गाइस, तो अब यहाँ पे हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जो भी टेबल का हमारा टर्म है. सेम फॉर्मेट में गाइस यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है आपको. अब गाइस सेम टर्म यहाँ पर भी आपको टाइम पीरियड, वेलोसिटी, फेज, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन यही सब लिखना है. सबसे पहला टाइम, दूसरा था हमारा फेज, तीसरा था डिस्प्लेसमेंट, चौथा था वेलोसिटी और पांचवा था एक्सेलरेशन. तो लेट मी नो कि टाइम कहाँ से स्टार्ट करो. कमऑन गाइस, टेक अप. जीरो से. जीरो के बाद क्या होगा? T by four. We need to go with the one one column, guys. याद रखो, we need to go with the one one column. We need to use the five column over there, and that every column which is having the 1/4 point. So in first point we having the T by four. So ये with the T by four, and after that we have the two columns, so that by having the two columns we having the equation of half part. So yahan pe t by 2, when we having the three column at that time we having a 3/4 part. So yahan pe 3 t by 4, wait, three t by four के बाद गाइस यहाँ पर चार कॉलम हो जाएंगे तो t, और पांच कॉलम होगा तो 5 t by 4. समझे आप लोग? ये पहला कॉलम समझ आया? सेम टर्म, सेम जैसा हम लोग ने प्रीवियसली किया हुआ था. अब गाइस फेज है तो जो स्टार्टिंग फेज होगा वही हम लोग यूज करेंगे. तो पहला स्टार्टिंग था तो इसलिए जीरो, फिर उसके बाद 90 है मतलब पाई बाई टू, तो यहाँ पे पाई बाई टू. यहाँ पे दो कॉलम होगा तो पाई, तीन कॉलम होगा तो 3 पाई बाई टू,
चार कॉलम होगा तो पाई, पांच कॉलम होगा तो फाइव, पाई बाई टू। देखो क्लियर हुआ या नहीं, टाइम और फेस क्लियर हुआ सबको? टाइम और फेस क्लियर हुआ क्या सबको? अब गाइस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये तीनों स्टेप आप लोग फाइंड आउट करोगे अभी। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कॉलम क्लियर करो, कंप्लीट करो पूरा डिस्प्लेसमेंट करो। डिस्प्लेसमेंट रो कंप्लीट करो एंड लेट मी नो कि क्या मिला आप लोगों को। क्या मिला डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या मिला? ओके ओके गाइस यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट का टर्म सर, था मैं बोलूं पोजीशन? हां हां सर गलत, सर गलत बोलूंगा चिल्लाना मत। अरे ठीक है बोल तो तू। देखो गलत करने का कोई मतलब सर, तब नहीं है सर, पहले जीरो करते करते ही सही होगा। जीरो, हाँ, गुड। फिर प्लस ए, ओके, फिर जीरो। वरुण एक बार वापस बोलोगे? जीरो वरुण, प्लस ए, जीरो, हाँ, प्लस ए, फिर जीरो, हाँ, फिर हाँ, ए, फिर जीरो, फिर माइनस ए। वरुण 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 क्या हुआ ना, आपने क्या किया पता है? आपने इक्वेशन नहीं देखा, आपने लास्ट टाइम का जो टेबल था ना सेम वही लिख दिया है। वरुण वरुण यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अभी ध्यान से समझना वरुण, ठीक है? अब देखो ये पहला वाला जो हमारा पूरा का पूरा रो है, पूरा जो रो है यहाँ पर पहला वाला कॉलम जीरो है, तो हम लोग यहाँ पर ये ओमेगा टी देख रहे हो ना, इसकी जगह पे जीरो रखेंगे। तो ओमेगा टी की जगह पे जीरो रखोगे तो कॉस जीरो क्या होता है? वन, वन मल्टीप्लाइड बाय ए, ए, वन मल्टीप्लाइड बाय ए, ए। वरुण समझ में आया आपको? वरुण हाँ सर, हाँ वरुण, कॉस जीरो वन होता है, वन मल्टीप्लाइड बाय ए इज ए। After that we having a 90, second वाला जो हमारा row है पूरा वो 90 का है, तो cos 90 जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय ए जीरो। फिर उसके बाद पूरा 180 का है, तो cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए, तो माइनस ए। आफ्टर दैट हमारे पास 270 है, cos 270 जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय ए जीरो। फिर cos 180 मतलब ये जो नेक्स्ट वाला कॉलम है 180 का है, तो cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस सॉरी 360 है, सॉरी तो यहाँ पे 360, तो यहाँ पे 2 पाई लिख दो आप लोग, तो cos 360 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय ए इज ए। और जो फिर 90 का कॉन्सेप्ट हो गया तो cos 90 जीरो। वरुण पहला वाला कॉलम देख लो। हाँ सर समझ गया। वरुण ठीक है, अब इसके बाद आपको वेलोसिटी का टर्म लिखना है, तो मैं वेलोसिटी का इक्वेशन ऊपर लिख देता हूँ, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा दैट वी विच इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, फाइंड आउट करो इसका।
पहले कॉलम आएगा, पहले कॉलम में क्या होगा? जीरो जीरो, क्योंकि देखो साइन है ना, पहले वाला स्टेप जीरो रखेंगे साइन, अगर इसको जीरो रखूंगा ओमेगा टी को, तो साइन जीरो जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग गेट जीरो, सो हियर वी हैविंग द इक्वेशन जीरो जीरो, ओके, आफ्टर दैट वी हैविंग द 90 एंड साइन 90 विल बिकम अ 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए ओमेगा, सो हियर वी हैविंग द माइनस ए ओमेगा, इज दैट क्लियर? ए वरुण, वरुण अंडरस्टूड और नॉट? वरुण ओके, आफ्टर दैट, हां सर, आफ्टर दैट वी हैविंग अ 180, we need to use the third column and sin 180 is 0, 0 multiplied by minus a omega square will become a 0, again we having a 270 and sin 270 minus 1, matlab 3 pi by 2 ka matlab kya hota hai, minus 270 sin 270 minus 1 minus minus plus, so here will remain the a omega, matlab next wala column a omega hai. After that we having the 360 sin 360 0, 0 multiplied by minus a omega square will become a 0. Zero. And last one sin 90, sin 450, sin 450 is again 1, 1 multiplied by minus a plus omega. Minus a omega. क्योंकि sin 450 1 है, 1 multiplied by minus a omega is equal to minus a omega. ठीक है वरुण? Yes sir. अब इसके बाद एक्सेलरेशन का है, तो एक्सेलरेशन में ये एक्सेलरेशन का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर, और ये वापस कॉस वाला कॉन्सेप्ट होगा, मतलब माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, अब एक्सेलरेशन का सॉल्व करो एंड लेट मी नो, डन? यस सर, लेट मी नो व्हाट वी गेट. In first column we need to use the 0, cos 0 will become a 1, 1 multiplied by minus a omega square, so will remain away only, minus a omega square, kyunki cos 0 1 hota hai, so minus a omega square, उसके बाद cos 90, 90 वाला कॉलम है, तो 90 वाला कॉलम है तो क्या होगा, cos 90 0 0 मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग गेट 0, उसके बाद गाइस हमारे पास 180 है, cos 180 माइनस होता है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से प्लस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 270 cos 270 0 0 मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग गेट 0, after that guys we having 360 cos 360 1 1 multiplied by minus a omega square, mein yahan pe column mein guys kam jagah hai to niche likh raha hu minus a omega square, ye wale column mein likhna hai aapko, ab uske baad guys hamare paas kya hai 450, 450 hai to 0, theek hai, dekho column sabko samajh mein aaya ya nahi, yes pura table samajh mein आया क्या? यस सर, टेबल समझना गाइस, टेबल दोनों टेबल वापस एक बार रिवाइज कर लो, नाउ वी हैविंग अ लेस टाइम, तो अभी हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, बट स्टिल आप लोग घर पे एक बार जरूर ट्राई करना ग्राफ को, और कंक्लूजन पॉइंट्स एक बार खुद से निकालने की कोशिश करना, चेक करना कि सबके फेजेस क्या है, नोट आप लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है किस तरीके से पेज को ढूंढा जाता है, तो ट्राई करना कि घर पे एक बार बैठ के आप लोग करो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब कराऊं तो आप लोग फटाफट उसको समझ सको
और आपके दिमाग से इवेपोरेट ना हो, समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार टेबल पूरा अच्छे तरीके से दोनों रिवाइज कर लो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट इन दैट टेबल फेज कंक्लूजन आदर द इक्वेशंस. वरुण रिवाइज ऑल दिस थिंग वन मोर टाइम. वरुण रिवाइज करो एंड लेट मी नो कि क्या टर्म है जो आप लोगों को आज नहीं समझ में आया. यस, एक्सट्रीम पोजीशन का कंक्लूजन. एक्सट्रीम पोजीशन के कंक्लूजन में एक दो पॉइंट चेंजेस हैं. तो पहला पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया दैट एक्सट्रीम पोजीशन दैट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दे बोथ आर अ कोसाइन एंगल एंड द वेलोसिटी इज साइन एंगल. और बाकी के जो पॉइंट है, जो पांचवा पॉइंट था वो भी सेम होगा. जो पांचवा पॉइंट था वहां पर सेम पॉइंट लिखना है आपको आफ्टर द टू पाई दैट ऑल द लुक विच शुड बी लुक लाइक अ सेम फॉर्म. और फेजेस में क्या डिफरेंसेस हैं एक बार वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताना कि आप लोगों ने फेजेस से क्या समझा है और कंक्लूजन के क्या पॉइंट्स आप लोग जनरेट कर पा रहे हो. अभी अभी फिलहाल 5 मिनट हैं अपने पास, तक आप रिवाइज कर लो और बताओ कि क्या टर्म्स आपको क्लियर नहीं हुआ है. 5 मिनट है, विल यूज इट. ओके ओके संकेत जी, फिल एंड नाउ जी. ठीक है सर, थैंक यू सर. ओके.